ओके बच्चों, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो रिलेशन पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग का कवर हो गया था। रिलेशन के बाद जो आज अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन। याद होगा आप लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पूरा का पूरा बताए थे। तो ये सेकेंड वीडियो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं पिछला वाला वीडियो देखना तो जाइए चैनल पर देख सकते हैं। आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, क्योंकि रिलेशन हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लिए। तो चलिए फंक्शन के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कहा किसको जाता है पूरा कुछ बताएंगे। क्लास 11th में भी अगर फंक्शन तुम नहीं पढ़ा है तो 11th का भी फंक्शन यहाँ पे हम पहले क्लियर करेंगे, और फिर 11th का फंक्शन क्लियर करने के बाद 12th के फंक्शन में आएंगे। तो हम फंक्शन पूरा का पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। 11th 12th दोनों का फंक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि फंक्शन कहा किसको जाता है। fx इज इक्वल टू, अगर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन देखो बहुत तरीके का होता है। हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे, मतलब क्लास 11 में हम लोग पढ़े हुए थे कि फंक्शन बहुत सारे तरीके का फंक्शन होता है। एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन याद होगा आप लोग को, कहीं पे अगर लिखा रहता है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स माइनस टू या समथिंग, कहीं भी मॉड अगर लगा है तो क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस फंक्शन कहा जाता है। ये हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन इसको कहा जाता है। अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए किसको कहते हैं। कहीं पे अगर लिखा रहेगा e का पावर x प्लस टू, तो ये किस प्रकार का फंक्शन कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, log x। ये क्या है हम लोग का, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया हम लोग का। कॉन्स्टेंट फंक्शन भी होता है। कहीं पे अगर लिखा रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट थ्री, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत सारे तरीके का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छूट ही रहा है हम लोग का, बहुत सारे तरीके का फंक्शन है बेटा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये भी हम लोग पढ़े थे, कहीं पे अगर लिखा रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समथिंग ऐसे करके, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। बहुत सारे तरीके का फंक्शंस होता है, बहुत सारे टाइप्स होता है फंक्शंस का, लेकिन सारे के सारे फंक्शन में एक बात कॉमन है। वो कॉमन क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं कि फंक्शन तो बहुत सारे तरीके का है, लेकिन सारे फंक्शंस में जो एक खासियत है जो सारे फंक्शंस में होना चाहिए और वो नहीं है, तो उसको फंक्शन फिर कहेंगे नहीं। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो किसी भी फंक्शन को हम फंक्शन कब कहेंगे ये कंडीशन जरा समझ लेते हैं। अब एक बात बताइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम कहेंगे कि आपको इस फंक्शन में एफ वन का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा एफ वन का आंसर, तो बस जहां x है वहां पे 1 डाल देना है। तो 2 into 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। एफ टू कितना होगा, एफ टू एफ टू हो जाएगा हम लोग का 7। एफ थ्री एफ थ्री अगर एफ थ्री डाल देते हैं हम लोग तो 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी फंक्शन में x का वैल्यू अगर आप कुछ भी डालिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। फंक्शन होने का पहला नियम है कि आंसर होना कन्फर्म है, मतलब आप फंक्शन में जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं इसको डोमेन कहा जाता है। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन जब पढ़ाए थे तो वहाँ हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताए थे, उसका अभी भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज किसको कहा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि पढ़ाए थे तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू कितना 2x प्लस 3। इस फंक्शन में 1 डालेंगे x की जगह तो 5 आंसर आ रहा है, 2 डालने पे 7, 3 डालने पे 9। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 डालने पे 9 आ रहा हो और 3 डालने पे 9 के अलावा भी कोई आंसर आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी भी फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू डालिए तो उसका एक ही आंसर होना चाहिए, और एक आंसर कम से कम जरूर होना चाहिए। कम से कम मतलब नहीं, एक आंसर, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि फंक्शन में आप 3 डालें और कुछ भी आंसर ना आए, आंसर खाली रह जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। 100% आंसर होना चाहिए और 100% एक ही आंसर होना चाहिए, दो आंसर नहीं होना चाहिए। यही फंक्शन का नियम है। इसको समझाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका, बाप बेटा वाला एक एग्जांपल हम आप लोगों को बताए थे, नहीं याद है तो फिर से एक बार बताएंगे। बड़ा सिंपल तरीका है फंक्शन समझने का। फंक्शन में जो आप वैल्यूज डालते हैं, जैसे मान के चलो तुम्हारा फंक्शन था, अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू फंक्शन है, मान के चलो इस फंक्शन में तुम डाल रहे हो 1 तो आंसर आ रहा है 3, इस फंक्शन में तुम डाल रहे हो 2 तो आंसर आ रहा है बेटा 4, तुम यहाँ पे डाल रहे हो 3 तो क्या आ जाएगा 5। तो जो वैल्यूज तुम डाल रहे हो उसको कहा जाता है डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन कहते हैं। किसको किसको, 1 2 3, ये हो गया आपका डोमेन। जो आंसर आ रहा है उस तरफ वो आपका क्या है, रेंज या कोडोमेन भी, उसको हम कोडोमेन का केस भी बताए थे हम लोग को, बताए थे ना। तो वो हो गया हम लोग का
कोडोमेन, कोडोमेन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। आपको आंसर अगर मिल रहा है कितना सर 3, 4, 5, तो ये रेंज हो गया, यही आपका कोडोमेन आपका हो गया, यानी 3, 4, 5। इस केस में कोडोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। उसका एग्जांपल हम अगला बताते हैं कि कई बार कोडोमेन अलग किस चीज़ को बोलेंगे और रेंज अलग चीज़ को बोलेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। वैसे हम बताए थे रिलेशन में, हमको याद है। अब जो डोमेन है और जो रेंज है, इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, फंक्शन देकर वैल्यू पूछेगा, ये तो थोड़ा ऊपर लेवल का बात हो गया। आपसे सीधे लिख देगा fx, आपको सामने एक फंक्शन लिखेगा, जरा ध्यान देना, एक हम बोर्ड पर लिखते हैं, एक फंक्शन f बराबर एक फंक्शन है। फंक्शन देखो क्या है, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 8। आपसे पूछेगा क्या ये फंक्शन है, आपसे पूछेगा जरा बताओ तो बेटा इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन में तुरंत बोलोगे तुम 1, 2, 3, 2, मतलब जो भी है। रेंज बोलेगा तो रेंज भी अपना ढूंढ दोगे 3, 4, 5, 8। लेकिन डोमेन रेंज बताने से पहले कन्फर्म हो जाओ कि क्या ये फंक्शन है। डोमेन रेंज तो बाद की बात है, डोमेन रेंज तो आपको मालूम ही है किसको कहा जाता है, रिलेशन में पढ़े थे हम लोग को यहाँ डिस्कस ये करना है कि क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए आप देखिए किसका क्या इमेज है। अब आप फंक्शन में 1 डालने पर, 2 डालने पर, मतलब कौन कौन सा वैल्यू डाल रहा था इसमें, 1, 2, 3, 2, 3 दोबारा है तो बस यही रहने देते हैं, 1, 2, 3। जो जो डोमेन था उसको लिख के यहाँ लिख दिए हम लोग, और जो जो वहाँ पर रेंज दिख रहा है उसको भी यहाँ पर उतार दो। क्या है, 3 है बेटा, 4 है, 5 है और 8 है। तो जो जो वैल्यू हम डालते हैं वो सब हो गया मेरा डोमेन, जिसमें जो जो आंसर आ रहा है हो गया मेरा रेंज, और रेंज जिस सेट में आएगा उस पूरे को कोडोमेन कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे। अब ये फंक्शन है या नहीं है इसको पहचानने का देखो तरीका। वैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बताए कि आपका फंक्शन fx है, आप अपने फंक्शन है x+2, तो इसमें आप अगर 1 डालिएगा तो आंसर क्या आएगा, 3। तो 1 आप डाल रहे थे तो 1 हो गया आपका एलिमेंट, और 3 जो आंसर आया उसको आंसर न बोल के उसको आज से इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज। अब यहाँ पे 1 का आंसर क्या है, 3, तो इसको आंसर न बोल के क्या बोलेंगे, 1 का इमेज क्या है, 3। तो हम आपसे पूछेंगे, चलिए बताइए 1 का इमेज क्या है, 3। क्वेश्चन बता रहा है हमको कि 1 का इमेज क्या है, 3। चलिए देखिए 2 का इमेज क्या है, क्वेश्चन देख के बताओ, 2 का इमेज है 4। 3 का इमेज क्या है, 5। बहुत बढ़िया, 3 का इमेज है 5। अगला 2 का इमेज, एक और इमेज है कौन, 8। और हमसे बोल रहा है क्या ये फंक्शन है। रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन में हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन फंक्शन में बड़ा ध्यान रखना है। फंक्शन में सबसे पहले ये देख लो, देखो फंक्शन याद करने का तरीका, जो डोमेन है उसको मान लो बेटा, सन, और जो रेंज है, जो इधर साइड तुम्हारा रेंज या कोडोमेन जो तुम लिख रहे हो, ये हो गया तुम्हारा फादर, ये हो गया बेटा, ये हो गया बाप। और बेटा बाप से आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम, फंक्शन कहाँ किसको जाता है। उसको फंक्शन बोलेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट, मतलब फंक्शन में कोई भी आप वैल्यू डालिए तो आंसर होना कंपलसरी है, कोई भी खाली नहीं रह सकता है। और दूसरा कि सबका यूनिक इमेज ही होना चाहिए, किसी का दो इमेज नहीं होना चाहिए। इतना देर से समझा रहे थे हम, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी बेटा बाप करेंगे तुरंत समझाएंगे, रिलेशन से पूरा समझ में आ जाएगा। जरा देखो, एक का बाप कौन है, 3। 2 का बाप कौन है, 4। हाँ, क्या ये संभव है, क्या एक एलिमेंट का 2 बाप हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, एक एलिमेंट का 2 इमेज कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा मान के चलो, अब तुमसे तीसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जरा बताना हमको ये फंक्शन है या नहीं। 1 सेकेंड, हाँ देखिए जरा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, एक और हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4, 5, 6। हमको बस बताइएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, नहीं। क्या ये फंक्शन है, क्यों नहीं है, एक तो बेटा का बाप ही नहीं है और एक रीजन ये है कि सर 3 का कोई बाप नहीं है, पहला प्रॉब्लम ही है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 2 का 2 को बाप है, जो कि संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। खैर, अगला का जवाब दीजिएगा, क्या ये फंक्शन है, मतलब आपको फंक्शन जो लिख देता है ना उसमें से आपको चुन के ऐसे लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ फंक्शन है कि नहीं है। जरा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमको बताना, सोच समझ के जवाब देना, नहीं, नहीं
क्या ये फंक्शन है? हाँ, एक का भी पिताजी कौन है? पांच। और दो का भी पिताजी कौन है? पांच। तो दो बच्चा का सेम पिताजी चलता है। थ्री का बाप? चार का बाप? चलता है। दुनिया में कोई कोई ऐसा पिताजी होता है जो शादी नहीं किया, उसका कोई बाल बच्चा नहीं है। फादर में एक आदगो ऐसा हो सकता है जिसका कोई बच्चा ना हो। अरे बच्चा मतलब क्या? प्री इमेज। तो अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ। इधर कोई खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर खाली नहीं रहना चाहिए। अब फंक्शन कितने सारे तरीके का होता है, जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जो अभी तक हम बात बताए हैं उस सब फंक्शन में जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। यही सीधा बात याद रखेंगे फंक्शन का, कि फंक्शन उसी को कहा जाएगा जिसमें हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। मतलब उस फंक्शन उसी को बोलेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट का कोई इमेज होगा। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 1 का भी इमेज होना चाहिए, 2 का भी इमेज होना चाहिए, 3 का भी इमेज होना चाहिए। तो पहला बात ही कि इधर में कोई खाली नहीं होना चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। इधर वाले में कोई अगर खाली रहता है तो चलेगा, इधर वाले में कोई खाली नहीं होना चाहिए, सबका इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकता है। बस पॉसिबल है कि हर बार राइट साइड में इमेज होगा? हाँ, हमेशा लेफ्ट में ही लेते हैं और राइट साइड में हम लोग उसको लेंगे। ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है, पूरा सिस्टम थोड़ी बदल दीजिएगा। मिरर का के जूनियर क्लास में पढ़े थे, तो जूनियर क्लास में मिरर आप इधर साइड से लिए थे, है ना? तो कोई थुतरा ही करेगा, कोई बच्चा कहना हम इधर साइड से ऐसे रंगेंगे, तो करो, तुमको कोई रोका थोड़ी है। लेकिन जो हाँ, हमेशा जिस तरीके से वहाँ हम लोग मान लिए हैं कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ भी मान लेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहेगा, ये एलिमेंट्स रखेंगे और राइट साइड में अपना इमेज बनेगा। अब यहाँ पे वन का इमेज कौन है? ए। और ए का प्री इमेज कौन है? वन। वन का इमेज कौन? ए। और ए का प्री इमेज कौन? तो फंक्शन कहते किसको हैं, ये हम आपको समझा दिए, क्लास 11th में भी ढंग से पढ़े थे। अब फंक्शन कितने सारे तरीके का होता है, ये क्लास 12th का टॉपिक है। अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शन कितने सारे तरीके का होता है। पहला नंबर पे आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं जरा देख लीजिए। पहले बात तो फंक्शन होना चाहिए, तभी ना वन वन भी होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वन का कौन है? फादर। टू का फादर? थ्री का फादर? सिक्स। तो आप देखिए हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज है, किसी का दो प्री इमेज है। मतलब ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी तो हम तुमको बताए ही थे कि हो सकता है कि दो बच्चों का एक पिता हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि दो बच्चों का क्या हो? एक ही पिता हो। लेकिन उसको हम फिर वन वन नहीं बोलेंगे। वन वन किसको बोलेंगे? वन सन वन फादर एंड वन फादर वन सन। बात समझ में आ रहा है? कोई किधर भी, मतलब एक एक ही होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे कौन सा फंक्शन? वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन का ही नाम क्या रखा है देखिए ध्यान से, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेक्टिव फंक्शन। अब वन वन के बाद आता है मेनी वन फंक्शन। जरा देखिए मेनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे, नाम से क्लियर है। वन वन मतलब एक एक, और मेनी वन मतलब बहुत सारे का एक। 1, 2, 3, 4, 5 तो हमको जरा बताइए क्या ये फंक्शन है, हमको सोच समझ के बोलना। क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। इधर खाली है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, इधर खाली रहने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर साइड दो बच्चों का एक पिता है उससे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा का दो पिता सिर्फ नहीं होना चाहिए, ऐसा हम पढ़ाए थे। तो इधर साइड में दो बच्चा है उसका एक पिता है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखिए अब ये फंक्शन है, क्या ये वन वन है? नहीं, क्योंकि फोर का दो प्री इमेज है। फंक्शन में वन डालने पर भी चार आ रहा है और दो डालने पर भी क्या आ रहा है? तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ, ये कौन सा फंक्शन हुआ? मेनी वन फंक्शन। मेनी वन, मेनी का वन है कि नहीं? दो का वन है, मतलब दो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का एक इमेज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन समझ में आ गया, मेनी वन फंक्शन समझ में आया, सर? नो।
चलिए मिनी वन समझ गए और वन वन फंक्शन भी समझ गए। अब अगला आता है ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। फिर ऑन टू के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इन टू फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग कंपोजिट ऑफ फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑन टू फंक्शन बताकर छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग ऑन टू के अलावा इन टू फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको पढ़ा दिया किसके बारे में, वन वन पढ़ा दिए और मिनी वन पढ़ा दिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, मिनी वन हो गया। देखिए ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाता है, हम आपके सामने एक फंक्शन लिख रहे हैं, चाहे यहां पे एक फंक्शन का एग्जांपल दिया ही हुआ है, जरा देखिए तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है जो बुक में दिया है उसी को देखिए जरा ध्यान से, क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है। हाँ भले ही मिनी वन फंक्शन है लेकिन फंक्शन तो है। एक बात बताइए, हमने क्या कहा था कि आपका ये, इसको बोले थे हम सॉन, इसको क्या बोले थे, फादर, इधर वाले में। तो आपका जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन में एक आध एलिमेंट अगर खाली भी रह जाए तो भी ये फंक्शन होगा। तो अगर एक आध एलिमेंट खाली है तब ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। एक आध एलिमेंट खाली कंफर्म होना ही चाहिए तब वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट खाली नहीं है इस तरफ तब वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का हर एक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर वाई बिलोंग्स टू वाई। यानी कहने का मतलब क्या था इस क्वेश्चन का, हम आपको बता दें, इसका मतलब ये है कि हम आपको बता रहे हैं कौन सा फंक्शन के बारे में, अभी इनटू तो हम बता दिए। इनटू में मतलब क्या है कि एक आध फादर ऐसा होना चाहिए जिसका कोई बच्चा नहीं हो। और इसमें देखो जरा ऑन टू किसको बोलेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ देखिए वन का फादर फोर, टू का फादर फोर, थ्री का फादर फाइव, क्या एक भी फादर खाली है, तब इसको बोलेंगे कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मिनी वन तो है ही, मिनी वन के साथ साथ ऑन टू भी है, ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन इनटू कब बोलेंगे, जब यहाँ पर एक कोई खाली रहता है, जैसे मान के चलो सेवन है और सेवन का कोई भी बच्चा यहाँ पे, सेवन का कोई भी प्री इमेज यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा ये, ऑन टू फंक्शन का, सॉरी इनटू फंक्शन कहलाएगा। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन तब कहलाएगा जब कोई ना कोई खाली रहना चाहिए, और कोई अगर खाली नहीं है तब क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो अब जरा चारों को मिक्स कर लीजिए, वन वन समझ गया, वन वन दूसरा, मिनी वन बता दिए हम आपको, मिनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे, फिर हम आपको बता दिए इन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, फिर हम आपको किसको बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे। वन वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये चारों फंक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। चारों समझा दिए हैं, अब चारों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए पहला नाम हम क्या रख रहे हैं, पहला का नाम है वन वन ऑन टू, वन वन, वन वन ऑन टू फंक्शन। अब देखिए वन वन ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाएगा, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, है ऑन टू में क्या बोले थे, एक भी फादर खाली नहीं होना चाहिए, तो ऑन टू भी हो गया ना, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, देयरफॉर इट इज वन वन ऑन टू। क्या बोलेंगे इसको, वन वन ऑन टू। अगर यहाँ पर एगो सेवन एलिमेंट रहता तो खाली रहता, तब इसका नाम हो जाता वन वन इन टू फंक्शन। क्या नाम होता इसका, तब इसका नाम हो जाता वन वन इन टू फंक्शन। समझ में आ गया। अगला है मिनी वन के बारे में समझो, अगला है मिनी वन, मिनी वन ऑन टू, मिनी वन ऑन टू। जैसे देखो वन टू थ्री फोर फाइव, अब जरा देखिए तो इसका फादर ये, इसका फादर ये, इसका फादर ये, क्या ये मिनी वन है, मिनी वन है, क्या ये ऑन टू है, कोई खाली लेना है कोई पिताजी यहाँ पे, इसका मतलब ऑन टू भी है, तो ऑन टू भी है साथ में मिनी वन है, तो हो गया मिनी वन ऑन टू। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पिता खाली रहता तो क्या कहलाता, मिनी वन ऑन टू की जगह आ जाता कौन, इन टू, ये हो जाता मिनी वन इन टू फंक्शन। बात समझ में आया। तो हम आपको आठ फंक्शन टोटल बता दिए, वन वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, और चारों को मिक्स कर देंगे तो वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मिनी वन ऑन टू और मिनी वन इन टू फंक्शन। हम आपको अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जरा इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख रहे हैं,
ये जो मिनिमम फंक्शन दिया है बेटा, इसको देखो सिर्फ, ये जो मिनिमम फंक्शन दिया है, क्या ये मिनिमम है? क्या ये ऑन टू है? नहीं, ये इनटू है। तो ये हो गया मिनी वन इनटू फंक्शन। इसके बारे में बताओ, ये मिनी वन है? नहीं, ये मिनी वन नहीं है, ये क्या है? वन वन है। अच्छा, वन वन के साथ ऑन टू है? नहीं है। तो ये हो गया वन वन इनटू फंक्शन। बात समझ में आया? मिनी वन ऑन टू समझ गए, मिनी वन इनटू भी समझ में आ गया। टोटल कितना सारा बता दिया हम आपको? चार बता दिए। अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद है इन्वर्टिबल फंक्शन, उसको अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। आज रहने देते इतना ही पे, अगले वाले क्लास में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।